जिंदाबाद साहब। आज आपने नॉमिनेशन फिल किया और यहाँ पर क्या क्या वास्तविकता रहेंगे आपकी बनी? हाफिज कुरैशी जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज मैंने ये साबित करके दिखा दिया कि 29 साल का बेरोजगार नौजवान भी बने कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए की इलेक्शन लड़ सकता है। और मैंने ये साबित कर दिया कि मैं भी नॉमिनेशन एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भर सकता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे र्यूमर्स हुए लेकिन बहुत सारा टारगेट करने की कोशिश करी कि इसको हम फॉर्म नहीं भरने देंगे, ये लड़का कुछ भी कर लेगा लेकिन फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने फॉर्म आज फिल कर दिया है और आज मेरी नहीं, जितने भी बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेरोजगार नौजवान हैं उनकी जीत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज एडमिनिस्ट्रेशन की तानाशाही से ये बेरोजगार नौजवान परेशान है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये नौजवान जाते हैं तो उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ये इनकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब जतेंद्र सिंह पटियाल बने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक नौजवान की आवाज़ बनेगा, गोडू फलाल से लेके बनी तक, बनी हो चाहे डुगन हो, चाहे डुगैन हो, चाहे लोहाई मलार हो, हर एक लोगों के पास मेरा जाना काम है और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि हर जगह जाया जाए। मैं कृषि साहब आपको बताना चाहूंगा, जब बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो रोना आता है, हमें शर्म आती है उन लीडरों पे। आज कहा जाता है, सेंटर का मिनिस्टर का भाषण आता है कि वही साहब ट्रैक्टर रोड मांगोगे तो 4 लेन रोड दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बने कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ सोए थे, ये कहाँ थे? अगर सेंटर में सरकार थी तो डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? मैं अभी डगर के पास एक पुरड़ी क्षेत्र में गया था, एक बेचारा बंदा, उसका भाई साहब मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना और उसने अपनी फरियाद लगाई कि मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जाए। अगर शहरी इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं तो बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों नहीं? क्यों लोगों के साथ बदइंसाफी की जाती है? इस देखिए, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी नहीं करना चाहते। बनी में साइंस स्ट्रीम नहीं है, अगर मानपुर कॉलेज में साइंस स्ट्रीम लाई जा सकती है तो बनी में ये साइंस स्ट्रीम क्यों नहीं लाई? यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं करना चाहते, कुल मिलाकर ये साबित करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफिस जो हैं वो यहाँ फंक्शन नहीं होते हैं, वो शहरी इलाकों में फंक्शन होते हैं। एसटी रिजर्वेशन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? लेकिन जब एसटी रिजर्व सीट के लिए या असेंबली में खड़े होते हैं कि बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एसटी रिजर्व कर दिया जाए, लेकिन पहाड़ी स्टेटस क्यों नहीं? हमारा नौजवान सर दर की ठोकरें खा रहा है, इनका सहारा कोई नहीं है। आज डेवलपमेंट में नहीं बोलते हैं, ये जातिवाद पे बोलते हैं। बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जातिवाद की राजनीति को एरेडिकेट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट। जैसे कि बड़ी बड़ी पार्टियां कांग्रेस भाजपा जैसे उम्मीदवारों ने नामांकन अपना भरा है, और किसके साथ मुकाबला मानते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज पटियाल के साथ सिर्फ और सिर्फ जूत है, इनके साथ बहुत सारे लोग ढोल निगाड़े। ये जो आज सड़कें नहीं बन रही है ना, सड़कों का जो पैसा है वो कहाँ गया? आज मेरे पास भी कई ठेकेदार आए कि पटियाल साहब आपको इलेक्शन लगाते हैं, पैसे लगाते हैं। मैंने कहा कि पटियाल साहब कभी झुकेगा नहीं। अगर आज मैंने आपसे पैसे लिए तो मैं फिर बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट के बारे में नहीं बोल सकता। आज कौन सा नेता रोडों के बारे में बोलता है? क्यों नहीं बोलता? इनसे पूछिए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है लेकिन आप क्यों नहीं बोलते? जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोड्स नहीं उसमें क्या, तो इनसे मुकाबला क्या? ये तो लीड बना के बैठे हैं।
ये पार्टी की टिकट के लिए लड़ते हैं, डेवलपमेंट के लिए नहीं लड़ते। तो इनसे क्या मुकाबला करना है? आज जीत है तो इन नौजवानों की। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी जीत है, आज जीत होगी तो बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेरोजगार नौजवानों की जीत होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का बेरोजगार नौजवान खुशहाल है तो माँ बाप भी खुश होंगे, बच्चे भी खुश होंगे और पूरा माहौल जो है वो बहुत ही शानदार बनेगा। आज हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर का इतना स्कोप है, एग्रीकल्चर का इतना स्कोप है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, एजुकेशन में स्टाफ नहीं है। भाई साहब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कौन से बच्चे इनके यहाँ पढ़ते हैं, जो राजनेता अपने को कहते हैं, इनके कौन से घर वाले यहाँ इलाज करवाने के लिए जाएंगे, ये यहाँ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगी। आज नौजवानों की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। ये आएंगे ढोल नगाड़ों के साथ, वोट ले जाएंगे और जनता का बेवकूफ बनाएंगे। जनता आज जनता को सतर्क रहना पड़ेगा, इनसे वोट अपना अपने फ्यूचर के लिए देना है, ना के पार्टी के लिए। जो कैंडिडेट आपके फ्यूचर के बारे में सोचता है उसको वोट दीजिए, ना कि जो जातिवाद करता है।